दोस्तों, अगर आपने बैंगन का पौधा लगाया हुआ है और उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, उसमें फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन जो सब फूल हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से वो फूल सब गिर जा रहे हैं। ये फूल गिरने के कई कारण होते हैं बैंगन के पौधे से, वो सब कारण मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले देखिए, जो मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं इसमें कम से कम 90% जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरीके से मैंने ये बैंगन का जो पौधा है ये दो तीन पौधे लगा रखे हैं एक ही ग्रो बैग में, 24 इंच का ग्रो बैग है और इसमें देखिए फूल भी बहुत आ रहे हैं और छोटे छोटे जो फल हैं वो भी बहुत आ रहे हैं। ये देखिए छोटे फल भी बन रहे हैं इस तरीके से। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, जो बैंगन के पौधे में जो फूल जो गिरते हैं उसका एक मेन कारण जो ये रहता है, इसमें जो पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। बैंगन के पौधे में जो मिट्टी की में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे भी फूल गिर जाते हैं। कभी भी आप पौधे में जब पानी देते हैं तो उसमें संतुलन बना के रखिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितना पानी देता हूँ पौधे में और कितना मिट्टी में मॉइस्चर रहता है। ये मिट्टी में मॉइस्चर चेक करने का एक सीक्रेट है। ये देखिए, आप जब मिट्टी जब उठाएंगे, जैसे गमले से आप जिसमें ग्रो बैग में लगा रखा आपने, ये हल्का आपको गीली दिखेगी तो समझ लो इसमें मॉइस्चर है, इसमें अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी आपको सूखी हुई नज़र आती है ऊपर की तो उसमें पानी थोड़ा बहुत दे दीजिए, इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है बैंगन के पौधे को। आप सोचेंगे इसमें पानी भर देते हैं अगले दिन पानी नहीं देंगे, लेकिन जो पौधे की जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी दीजिए आप। ये देखिए, ये ग्रो बैग मैंने 24 इंच का है, इसमें दो बैंगन के पौधे लगा रखे, तो इसमें आप देखिए ग्रो बैग भी थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि बैंगन का पौधा जो है अपनी जड़ें फैलाते रहता है, देखिए तभी इसमें जो फ्रूटिंग अच्छी होती है, इस तरीके से जो जड़ें बनते रहती है इसमें। अगर इनको जगह नहीं मिलेगी, ये देखिए दूसरे पौधे की भी जड़ें इतनी बन रही हैं इसमें, अगर इनको जगह नहीं मिलेगी तब भी इसमें जो जो फूल हैं वो गिरते रहते हैं। तो आप ग्रो बैग में लगाइए, गमले में कम से कम 20 से 24 इंच का जो गमला होना चाहिए और ग्रो बैग भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, तब उसमें आप पौधा लगाइए। अगर एक पौधा लगा रहे हैं बैंगन का तो आप 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसमें मॉइस्चर देख लीजिए आप, पानी कितना देना है, जब सूख जाती है मिट्टी तभी पानी दीजिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि पानी आप नहीं दे रहे हैं 2-3 दिन तब भी जो है पौधे की जो है फूल बनते हैं वो भी गिर जाते हैं, तो आप इसमें मॉइस्चर बना के रखिए मिट्टी में, तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और जो फूल हैं वो सब फल में कन्वर्ट होंगे। एक कारण तो ये हो गया पौधे की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर कितना रहने के। दूसरा कारण क्या होता है, पॉलिनेशन। पौधे के जो फूल देखेंगे आप, ये देखिए जैसे ये फूल है, कई फूल ऐसे होते हैं देखेंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है पौधे। ये देखिए, ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट के बीच में एक ग्रीन पार्ट है। ये जो येलो पार्ट है ये मेल ऑर्गेन है इसका, और जो ये बीच में ग्रीन पार्ट है ये फीमेल ऑर्गेन है। तो अगर इन दोनों का जैसे हम वो करते हैं परागण करते हैं, मधुमक्खी होती है वो, अगर पॉलिनेशन हो रहा है तब तो सही है, मधुमक्खियाँ आपके उसमें हैं। अगर नहीं है तो आप क्या करिए, हल्का सा टैप कर दीजिए इस तरीके से, इससे क्या होगा पॉलिनेशन हो जाएगा, ये जो पॉलन है इसमें लग जाएगा ये फीमेल पार्ट में, उससे इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कई जो फूल होते हैं उसमें क्या होता है खाली मेल पार्ट होता है, देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको बीच में ग्रीन पार्ट नहीं दिखेगा, ये खाली मेल पार्ट है तो इसमें फीमेल पार्ट नहीं दिख रहा आपको, तो इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, ये तो फूल झड़ ही जाएगा, इसमें स्टेज हो ना हो क्योंकि इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसके एक कारण ये रहता है फूल झड़ने का। दूसरा, आप जब भी पौधे में खाद देते हैं तो इसमें गोबर की खाद जरूर ऐड करिए, गोबर की खाद में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। कभी भी मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक अगर आप कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद जरूर ऐड करिए, और कभी कभी आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट जो बनाते हैं वो भी दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसमें प्रचुर मात्रा में आपको पौधे के लिए पोटेशियम मिल जाएगा, और ये जो खाद मैं बता रहा हूँ आपको इसी से जो पौधे में जो फल छेदक कीड़ा लगता है, ये देखिए इस तरीके से जो कीड़ा लग जाता है इससे पूरा फल खराब हो जाता है। और समय ये देखोगे आप बैंगन के जब फल दिखता है आपको वो सही दिखेगा, लेकिन एक जगह से इसमें
छेद करके ये ब्लैक ब्लैक जो है पदार्थ निकलने लग जाता है। ये कीड़ा जो अंदर घुस के इसका पूरा न्यूट्रिशन चूस लेता है, पूरा पौधे को भी खराब कर देता है। कभी कभी ये इसकी जो स्टेम है, आप देखेंगे कोई स्टेम नई स्टेम आती है वो झुक जाती है, उस वो क्या होता है पौधे की स्टेम में भी घुस जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी जो खाद है वही फंगीसाइड भी है, उसको आप यूज करेंगे तो इसमें इस तरीके से कीड़ा नहीं लगेगा। और जो भी आपके फल लगते हैं जो कीड़े वाले, इनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर इसमें रहेगा तो ये पूरे पौधे को खराब कर देगा, इसलिए आप इसको निकाल के फेंक दीजिए। जो चीज मैं बता रहा था आपको कौन सी खाद दी जाती है इसमें, ये देखिए, ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख आप कंडे की राख भी यूज कर सकते हैं। जो लकड़ी की राख में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, आप इसको ज्यादा भी यूज ना करें। जैसे एक मुट्ठी है अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए। ये फंगीसाइड भी है और इसको बोलेंगे जो दीमक वगैरह या कीड़ा लगता है आपकी मिट्टी में वो भी नहीं लगेगा इससे। तो आप इस तरीके से इसका छिड़काव कर देंगे अपने पौधे की मिट्टी में, तो इससे न्यूट्रिशन भी आपके पौधे को अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें राख जो होती है इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पौधे के जो फूल बनते हैं उनको बनाने में और फल में कन्वर्ट करने में पोटेशियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। पोटेशियम एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें। तो आप पौधे की मिट्टी में लकड़ी की राख का यूज करिए, और इसी राख को आप अगर पौधे की जो शाखाएं हैं या फल बन रहे हैं उसमें इस तरीके से आप ब्रांचेज में भी डाल देंगे, पौधे में पूरा छिड़काव कर देंगे, तो इससे क्या होगा आपके पौधे की में जो कीड़े लगते हैं, जो फल छेदक कीट वगैरह जो लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, और इसमें भरपूर मात्रा में आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पौधे की जो है देखभाल करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी फ्रूटिंग होगी, और इसमें जो कीड़ा वगैरह लगता है, जो कीड़े लगते हैं इसमें वो भी नहीं लगेंगे, क्योंकि लकड़ी की राख एक प्रकार का एक फंगीसाइड कीटनाशक सभी है। पुराने जमाने में यही यूज करते थे पुराने लोग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के तौर पे लकड़ी की राख का यूज करते थे। तो आप भी इसको यूज करें अपने पौधों में, और अपने पौधों को कम से कम 6-7 घंटे की धूप में रखिए, क्योंकि ये जब फूल बनते हैं इसमें अगर ये धूप में नहीं होंगे तो फूल वैसे भी स्ट्रेस से गिर जाएंगे। तो आप कम से कम 6-7 घंटे पौधों को धूप में रखिए, और वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो, क्योंकि उन लोगों की भी क्वेरीज होती है कि हमारे बैंगन के पौधे के फूल गिर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने बैंगन के पौधे की देखभाल करेंगे तो आप भी भरपूर मात्रा में उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेंगे। धन्यवाद।